हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में। जैसा कि हमने आपको पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 कराया था, वो भी 2019 के प्रैक्टिस सेट का, अब हम आपको कराएंगे चौथा क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट फर्स्ट 2019 के एफ का। प्रत्येक क्वेश्चन 3 अंक का है, तो इसमें खंड दिए गए हैं का खा गा घा। अब ये हमें 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन कराने हैं और 12 नंबर के हैं, यानी कि 12 नंबर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग लेंगे 20 मिनट से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, लैंथेनाइड तत्वों के 2 उदाहरण दीजिए, इनके 2 मुख्य उपयोग भी लिखिए। लैंथेनाइड तत्व क्या होते हैं पहले इसको जानते हैं, लैंथेनाइड तत्व हैं क्या। तो लैंथेनाइड डी ब्लॉक के लेंथनम 57 और हाफमियम 72 के बीच से जिन तत्वों को उठाया गया, और ये था छठवां आवर्त था वो भी। ऐसा होता है जब आवर्त सारणी का ये नियम है कि जब अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में प्रवेश करता है तो वह उस वर्ग का या उस आवर्त का या उस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। जैसे लैंथेनम जब डी ब्लॉक के तत्व में इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में प्रवेश करने लगा तो उसके लिए उन तत्वों को बाहर निकाल कर एक नए ब्लॉक एफ में रखा गया। यहाँ से यहाँ तक एक 14 तत्वों को निकाल लिया गया था, क्योंकि लैंथेनम के बाद अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ कक्षा में प्रवेश करने लगा। अब तत्वों के इलेक्ट्रॉनों को अगर यहाँ पर रखा जाता है इन तत्वों को, तो यहाँ पर क्या होता है, ना तो ये सिद्ध होता कि ये एफ ब्लॉक के हैं, ना ही ये सिद्ध होता कि ये डी ब्लॉक के हैं। तो इन तत्वों को जब 14 निकाल कर बाहर रखा गया तो एक श्रेणी बनती है, और उस श्रेणी का नाम होता है लैंथेनाइड श्रेणी। ये श्रेणी सीरियम 58 से शुरू होकर ल्यूटीटियम 71 पर समाप्त हो जाती है। इसमें तत्व कौन कौन से आते हैं, सीरियम 58, प्रोजेसिडियम 59, नियोडियम 60, प्रोमेथीडियम 61, समेरियम 62, यूरोपियम 63, गैडोलीबियम 64, टर्बियम 65, डिस्प्रोसियम 66, होलमियम 67, अरबियम 68, थोलियम 69, इटरियम 70 और ल्यूटीटियम 71। इन तत्वों को उठाकर रखा है। अब इसके 2 उदाहरण चाहे तो आप ये लिख दें, सीरियम प्रोमेसिडियम नियोडियम प्रोजिसिडियम नियोडियम प्रोमेथीडियम समेरियम, इनमें से कोई आप उदाहरण दे सकते हैं, इन 2 को उदाहरण दे दो। चलो सीरियम और प्रोजेसीडियम को 2 उदाहरण दे दिए। अब इसकी परिभाषा ऐसे लिखेंगे, वे तत्व जिन्हें आवर्त सारणी के लैंथेनम 57 के बाद, लैंथेनम 57 बता रहे हैं इसका अणुभार यानी वो परमाणु क्रमांक, और हाफमियम 72 के मध्य से उठाकर एक नए ब्लॉक में प्रथम श्रेणी में रखा गया, ये तत्व लैंथेनाइड तत्व कहलाते हैं। और इनके सीरियम और प्रोमेसिडियम ये 14 तत्व होते हैं जिनके हमने 2 उदाहरण दे दिए हैं। अब इसका है पहला उपयोग नंबर 1, उपयोग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे नंबर 1 उपयोग, लिखेंगे इनमें सीरियम तत्व एक ताप और प्रकाश का अवशोषक होता है जिसके चश्मे बनाए जाते हैं। लीजिए एक हो गया इसका उपयोग। नंबर दो में क्या है, नंबर 2 में बताएंगे कि सीरियम फास्फेट का उपयोग पेट्रोल को भर्जित करने में किया जाता है, पेट्रोल भर्जित करने में किया जाता है। 2 उपयोग हो गए, तीसरा अगर चाहें तो हम तीसरा आपको लिखवा देंगे, तीसरा उपयोग में आ जाएगा सीरिया, एक सीरिया इससे बनता है Ec2, सीरिया का उपयोग गैस मेटल में किया जाता है, गैस
मेटल में किया जाता है। देखा कितना समय कब लगा और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का, इतना ही लिख देने से आपको नंबर मिल जाएंगे। अब इसको हम रफ किए देते हैं, ये लीजिए रफ कर दिया हमने। अब क्वेश्चन नंबर है खा, एनिलीन से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड कैसे प्राप्त करेंगे, समीकरण भी लिखिए, इसके दो उपयोग भी लिखिए। पहले तो एनिलीन क्या होती ये जानना, फिर बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या होती वो बनाना है, और कैसे प्राप्त करेंगे समीकरण भी लिखना है। तो पहले आप लिखें एनिलीन, एनिलीन का फार्मूला होता है ये, बेंजीन के ऊपर लगा होना चाहिए NH2 समूह, लग गया, और इससे बनता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यानी के कपड़ा हाथ में ही पकड़ना पड़ेगा। अब ये बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये लीजिए N डबल बॉन्ड N और Cl, ये आपको इससे प्राप्त करना है। यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन की एक संख्या यहाँ पर कितनी हो गई, दो, तो हमें कोई ऐसा कंपाउंड लेना है जिसमें हमें Cl भी मिल जाए और क्या मिल जाए, एक नाइट्रोजन भी मिल जाए। तो हम इसको गर्म कर दें ऐसे बंदे के साथ में जो इसका काम बना दे। तो पहला हम ले लें सोडियम नाइट्राइड NaNO2 प्लस HCl और 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसे ठंडा कर दें। अब ये देखिए यहां पर हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, दो, हाइड्रोजन की संख्या दो है और एक दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन को तोड़ने के लिए कितने चाहिए हमें, चाहिए है हमें कम से कम 4 हाइड्रोजन। तो यहाँ पर क्या कर दें, 2 का मल्टीप्लाई, अब 2 हाइड्रोजन ये 2 ये कितने हो गए 4, अब 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन यहाँ के 4 और ये क्या बना देंगे जल, 2 और 2 4 और 2 ऑक्सीजन मिलाकर बना देंगे 2H2O, निकल गए दोनों हाइड्रोजन, चारों हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन भी। अब ये सोडियम यहाँ का एक क्लोरीन तोड़ लेगा तो ये बन जाएगा NaCl, बचा क्या, ये सोडियम भी खर्च हो गया, यहाँ का एक Cl भी, ये नाइट्रोजन और Cl जाकर यहाँ मिल जाएंगे और बन जाएगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, यही आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है। अब कह रहा है कि इसका समीकरण लिखिए, यही इसका समीकरण है, एरो थोड़ा छोटा सा लगा, यही इसका समीकरण है। अब हम इसके लिए क्या करेंगे, इसका दो उपयोग लिखेंगे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप क्या बना सकते हैं। तो नंबर एक उपयोग, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ये लीजिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिख दिया हमने, इसे लिख दें N2Cl, इसको एक ऐसे बंदे के साथ में गर्म कर दें कि ये बेंजीन क्लोराइड बन जाए या क्लोरो बेंजीन बन जाए। इसको CuCl कॉपर क्लोराइड की उपस्थिति में या CuCl2 की उपस्थिति में गर्म कर दें तो यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, यहाँ से बॉन्ड टूटेगा और नाइट्रोजन उड़ जाएगी। इसको कहाँ लिख दें, थोड़ा सा ऊपर यहाँ लिख दें 2Na, नहीं NaCl था, 2NaCl नहीं, यहाँ पर लिख दें NaCl। अब ये नाइट्रोजन रिलीज हो जाएगी यानी मुक्त हो जाएगी तो बनेगा क्लोरोबेंजीन, आपका ये एक उपयोग हो गया। और क्या निकल जाएगा, यहाँ से इसे हटा देते हैं नहीं तो आप समझेंगे यहीं पर लिखा है 2H2O, ये यहाँ लिख देंगे और क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन गैस मुक्त हो जाएगी। अब ये इसका एक उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग है, इसको नाइट्रोबेंज यानी के बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से दूसरा क्या प्राप्त करेंगे, कुछ भी आप बना सकते हैं, कुछ भी जो आप चाहें जो आप बना लेते हैं वो भी आप बना सकते हैं। ये देखिए नाइट्रोबेंजीन, इससे हम बनाएंगे क्या नाम, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। देखिए कैसे, यहाँ पर NaNO2 ले लो, NaNO2 और इसको हाइड्रोजन ब्रोमाइड
और फ्लोराइड डाइफ्लोराइड की उपस्थिति में, नहीं टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर दो, हाइड्रोजन बोरान टेट्राफ्लोराइड की उपस्थिति में गर्म कर दो तो यहाँ पर एक लवण निकल जाएगा और ये नाइट्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूट जाएगा, नाइट्रोजन उड़ जाएगी तो बनेगा क्या, बेंजीन, नाइट्रोबेंजीन। और इसे नाइट्रोबेंजीन को मिर्बेन का तेल भी कहते हैं, मिर्बेन का तेल। बचा क्या, NaCl प्लस, N2 गैस मुक्त हो गई, N2 गैस मुक्त हो गई, ये नाइट्रोबेंजीन बन गया। ये लो हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन, 3 अंक सीधे हो गए एक रिएक्शन बनाने के लिए। फिर ये इसके उपयोग है कि बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से क्लोरोबेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से नाइट्रोबेंजीन भी प्राप्त करते हैं। अब अगला क्वेश्चन आपका है, योग बहुलीकरण क्या है, दो उदाहरण दीजिए, योग बहुलीकरण क्या है, दो उदाहरण दीजिए। इसको हम रफ कर देते हैं, आप इसे सीख ही गए होंगे, बहुत आसान होता है अभिक्रियाएं करना, आप हमारे हिसाब से चलेंगे तो आपको अभिक्रियाएं बातों बातों में ही सिखा देंगे। तो देख लीजिए, योग बहुलीकरण, बहुलक तो आप जानते हैं, जब छोटी छोटी कड़ियाँ मिलकर एक बड़ी कड़ी का निर्माण करते हैं, यानी उच्च बहुलक का निर्माण करते हैं, योग बहुलकरण कहलाते हैं। मतलब एक पॉलीथीन का निर्माण करिए, आप घरों में पाइप लगे हुए देखते हैं जिनसे वाटर की सप्लाई होती है, जैसा भी घर में अपशिष्ट पदार्थ है उसको निकालने के लिए पाइप का इस्तेमाल करते हैं, वो भी एक PVC होता है, पॉलीवाइनल क्लोराइड। लेकिन योग बहुलकरण के लिए आप एक परिभाषा लिखेंगे, ऐसे उच्च बड़ अणु भार वाले बहुलक जिनमें छोटे छोटे कण मिलकर एक बड़े कण का निर्माण करते हैं, उच्च अणु भार का वाले यौगिक का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, योग बहुलक कहलाते हैं। इनकी यह प्रक्रिया योग बहुलकीकरण कहलाती है। इनमें कोई भी सूक्ष्म कणों का निष्कासन नहीं होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब इसकी हमने परिभाषा बता दी, ऐसे बहुलक जिनमें किसी भी सूक्ष्म कण का निष्कासन ना होकर एक बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं, छोटी छोटी इकाइयाँ जुड़कर एक बड़े बहुलक का निर्माण करते हैं, योग बहुलकीकरण कहलाता है। जैसे नंबर एक, ये लिखा हुआ एथिलीन। नंबर दो, आप जितने चाहें उतने बना सकते हैं यदि आपको आता है, ये है आपका वाइनिल क्लोराइड। नंबर तीन, स्टायरीन, आपसे पूछा गया है, दो हम आपको देते हैं, 3 एग्जाम्पल। ये एथिलीन है, एथिलीन के कणों को ले लीजिए अनलिमिटेड, पता नहीं कितने कण ले लिए, इसको उच्च ताप लगभग लिखेंगे 2000 तापमान पर और 1000 वायुमंडलीय दाब पर, एटमॉस्फेयर पर, जब गर्म करेंगे तो बीच का एक बॉन्ड क्रैश हो जाएगा और लिखेंगे इसको CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, और ये आपका बनकर तैयार हो गया क्या, पॉलीएथिलीन, जिसे हम क्या कहते हैं, पॉलीएथिलीन, इसे हम पॉलीथीन कहते हैं। और यहाँ पर N लगा देते हैं ताकि एक कण, ये एक इकाई है, इसमें किसी का निष्कासन हुआ नहीं हुआ। अब ऐसे ही 1, 2, 3, 4 हजारों में जुड़ेंगे तो एक बहुलक का निर्माण हो जाएगा। इसी प्रकार इसका, इसको भी इसी ताप पर इसी दाब में गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH2, सिंगल बॉन्ड CH और ऊपर लगाए Cl। ये पहले था वाइनिल क्लोराइड, क्या था, वाइनिल क्लोराइड।
वाइनिल क्लोराइड को जब हमने उच्च ताप और उच्च दाब में गर्म किया तो ये बन गया पॉलीवाइनिल क्लोराइड, पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये लिए हो गया। इसको हम शॉर्टकट में बताते हैं पीबीसी। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि पीबीसी किसे कहते हैं, पॉलीवाइनिल क्लोराइड को पीबीसी कहते हैं। ये है स्टाइरीन, स्टाइरीन। इसको उच्च ताप और उच्च दाब पर गर्म करेंगे तो ये बीच का एक बॉन्ड क्रेश होकर आधा इधर आधा उधर, तो ये क्या हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पर क्या हो जाएगा C6H5, और ये बन जाएगा आपका N, लगा देते हैं यहाँ भी N लगाएंगे। अब ऐसे कण एक दो हजार लाखों में जुड़कर एक रेशा बना देते हैं तो यह क्या कहलाते हैं, योग बहुलक, जुड़ते ही चले जाते हैं। अब ये बन गया पॉली स्टाइरीन। अब ये क्या था पहले, स्टाइरीन यानी पॉली, एकलक इकाइयों के जुड़ने से बना उच्च अणुभार का यौगिक। 50 डेफिनेशनें आप बना सकते हैं, एकलक इकाइयों से बना उच्च भार अणुभार का यौगिक क्या कहलाएगा, योग बहुलक कहलाएगा। इसकी यह प्रक्रिया योग बहुलकीकरण कहलाती है। लीजिए ये हल हो गया। आपको एक परिभाषा लिखनी थी, दो एग्जाम्पल लिखने थे, हमने आपके लिए 3 लिख दिए, 4, 5, 10 लिख सकते हैं लेकिन आपको 2 ही देने हैं, 2 ही हमने आपको बता दिए हैं। ऐसे ही सटीक आंसर देने पर कम लिखना पड़ता है, और ज़्यादा से ज़्यादा इधर उधर घुमाने से तब आप उलझ जाएंगे इधर से उधर क्वेश्चन। आप याद रखना, आपके लिए एक के पीछे 2 जीरो बनाने का काम कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर ध्यान दीजिए और इसको तमाम जगह अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और उनसे कहिए लाइक करिए। आपको सिखाएंगे सबसे बेहतर, सबसे उच्च क्वालिटी की कला कि कैसे केमिस्ट्री पढ़ी जाती है, कैसे रसायन विज्ञान आसान होगा। अब अगला क्वेश्चन, संश्लेषित अपमार्जक। अब आपके लिए हम बताते हैं संश्लेषित अपमार्जक क्या होते हैं। संश्लेषित अपमार्जक क्या हैं, यहाँ पर लिखना आप भूल गए, क्या हैं संश्लेषित अपमार्जक क्या हैं। ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों हैं। अब लिखेंगे बेकृत्रिम संश्लेषित अपमार्जक, सित अपमार्जक आप बताएंगे। ऐसे बेकृत्रिम कार्बनिक पदार्थ जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं, बेकार्बनिक यौगिक जो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक होते हैं अपमार्जक कहलाते हैं। इनका संश्लेषण प्रयोगशाला में कार्बनिक पदार्थों से किया जाता है। अब इन्हें बताएंगे उच्च अणुभार वाले अपमार्जक होते कौन से है। पहला लॉरिल सल्फेट, एक है ये लॉरिल सल्फेट ऐसा यौगिक है। देखिए इसका फार्मूला CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 का होल 10 CH2, और इसको लिखेंगे SO4 पर माइनस और इसकी एक परिभाषा ऐसे लिखेंगे जैसे अभी जो हमने बताई वैसे भी लिख सकते हैं। दूसरी उच्च अणुभार वाले कार्बनिक यौगिक
जो सोडियम या पोटेशियम, सोडियम की जगह पोटेशियम भी हो सकता है, सोडियम अथवा पोटेशियम के प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के उच्च अणुभार के यौगिक होते हैं, अपमार्जक कहलाते हैं। अपमार्जक ये इसका एक एग्जाम्पल है, लॉरिल सल्फेट, जिसमें कार्बन की संख्या देखिए, एक ये और दस ये और एक ये, कितने हो गए 12, यानी कि डूडेक पर पहुंच गया है। और ये अम्लीय मूलक है और ये भाषणिक यानी क्षारीय मूलक, और ये जिसमें लगा होता वो तो प्रबल अम्ल हो जाता है, और ये जिससे लगा होता वो प्रबल क्षार हो जाता है। अब इसका उपयोग बताया, ये साबुन की अपेक्षा अधिक लाभप्रद क्यों होते हैं? नंबर एक, इनमें आर्द्रता, उपयोग लिखा रहे हैं आपको, आर्द्रता अधिक होती है, अधिक होती है। नंबर दो, ये साबुन की भांति मैल के कण को सरलता से दूर करते हैं, लिख दिया ये। अब दो लिख दिए हैं, अब हम बोल सकते हैं, सभी को नहीं लिखेंगे, ज़्यादा लंबा हो जाएगा आपके लिए, तो हम आगे लिख बोलते हैं। ये तीसरा पॉइंट उपयोग में लिखेंगे, इनमें कैल्शियम, इन्हें तो लिखने ही पड़ेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल में उपस्थिति के कारण अवक्षेप नहीं बनाते हैं। किसी भी जल की कठोरता कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के कारण होती है, लेकिन अगर हम साबुन को इस्तेमाल करें कठोर जल धोने के लिए तो कपड़े जल्दी से साफ नहीं होते, लेकिन कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण जब कठोर जल में हो तो इनका अवक्षेपण नहीं होता है और ये कठोर जल में भी धुलाई कर देते हैं। अब कितने उपयोग लिखेंगे आप? ये हो गया आपका अपमार्जक। अपमार्जक में आपको इतने लिखना, बेकार्बनिक यौगिक जो सोडियम या पोटेशियम के सल्फेट होते हैं, जिनका अणुभार उच्च होता है, जो प्रबल अम्लीय और प्रबल क्षारीय माध्यम में पाए जाते हैं, ये साबुन की अपेक्षा लाभप्रद इसलिए होते हैं, इनमें आर्द्रता पाई जाती है, ये साबुन की भांति सरलता से मैल के कणों को दूर कर देते हैं, और ये किस जल में? कठोर जल में भी धुलाई करते हैं, अब इनके ये उपयोग हो गए। साबुन ऐसा नहीं होता, साबुन तो कठोर होता है, एक टिकिया के रूप में होता है, जबकि ये कैल्शियम और मैग्नीशियम कठोर जल में काम ही नहीं करता, साबुन है, तो हमें इसके ये उपयोग लिखने हैं। अब इससे ज़्यादा आसान नहीं होता, इससे ज़्यादा कुछ ज़्यादा लिखना भी नहीं है आपको, क्योंकि साबुन की अपेक्षा इतने ही एग्जाम्पल लिख देंगे, आपको पूरे नंबर 3 मिल जाएंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हम आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो देते रहेंगे और ऐसे ही आपको प्रोवाइड कराएंगे। इतना आसान पेपर होता है कि उसको अगर आप सही से पढ़ाई किए हैं तो पेपर की टेंशन को उखाड़ कर फेंक दीजिए। देखते रहिए हमारे YouTube चैनल वाईफाई सक्सेस क्लासेस में, एक से एक आप सबको बढ़कर वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। आप हमारा काम है कि आपके एक अंक के पीछे 2 जीरो लगाना, यानी कि ऐसा कुछ करना है। मैंने पिछली बार वीडियो में ये कहा है कि लोग दुनिया में देखने आते हैं, आपको दुनिया को कुछ दिखाना है। देखते रहिए हमारा चैनल और लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।